भारत ने पिछले 8 वर्षों में पावर सेक्टर में अभूतपूर्व प्रगति की है। पावर फॉर ऑल के विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार आज हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंची है। वहीं बिजली की आपूर्ति में बड़ा सुधार आया है। बिजली की सहज उपलब्धता से लोगों के जीवन में हुआ है सकारात्मक बदलाव और विकास के उजाले से वंचित रह गए दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंची है तरक्की और विश्वास की रोशनी। उजाला और कुसुम जैसी योजनाओं से गांव गरीब के जीवन में खुशहाली आई है। हमारे मेहनती किसान अब अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता बन रहे हैं। विकास के पथ पर तेजी से बढ़ते भारत की भविष्य की जरूरतों के लिए ये जरूरी है कि हमारा बिजली तंत्र 21वीं सदी के लिए हो तैयार। विकास को और गति देने के लिए ये आवश्यक है कि बिजली आपूर्ति का इंफ्रास्ट्रक्चर बने मॉडर्न, सभी तक सतत विद्युत आपूर्ति हो सुनिश्चित और हमारी बिजली कंपनियां बने आत्मनिर्भर। इसी सोच के साथ बिजली वितरण के आधुनिकीकरण की दिशा में एक अहम कदम है पुनरुत्थान आधारित वितरण क्षेत्र स्कीम। 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की ये होलिस्टिक योजना बनाएगी देश के बिजली वितरण क्षेत्र को सशक्त। ये योजना सुनिश्चित करेगी निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली कंपनियों के ऑपरेशनल लॉस में कमी और कंपनियों का फाइनेंशियल टर्नअराउंड। बिजली उपभोक्ता इस योजना के केंद्र में है। उन्हें मिलेगी प्रीपेड स्मार्ट मीटर की सुविधा तथा गलत बिजली बिल के झंझट से मुक्ति। इससे उपभोक्ता को पावर कंजम्पशन से जुड़ी सटीक जानकारी समय पर मिलेगी और बिजली के इस्तेमाल पर उनका पूरा नियंत्रण होगा। साथ ही रिचार्ज के आसान विकल्प की सुविधा भी मिलेगी। भारत में 25 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत कृषि फीडर सेग्रीगेशन पर भी बल दिया जाएगा, यानी खेती के लिए किसान साथियों को मिलेगा डेडिकेटेड फीडर। ये फीडर सौर ऊर्जा से संचालित होगा जिससे कृषि क्षेत्र में पावर सप्लाई बेहतर और सुविधाजनक होगी। देश का विद्युत वितरण तंत्र होगा फ्यूचर रेडी और उपभोक्ताओं को मिलेगी वर्ल्ड क्लास बिजली प्रणाली। बनेंगे स्मार्ट उपभोक्ता और देश बढ़ाएगा आत्मनिर्भरता की ओर कदम। आजादी के इस अमृत काल खंड में भव्य और समृद्ध भारत बनाने के संकल्पों की सिद्धि में पुनरुत्थान आधारित वितरण क्षेत्र स्कीम निभाएगी अहम भूमिका।